तो साथियों आप देख सकते हैं यही गोदाम है, गोदाम बनाया गया है, यहीं पर राशन रखा जाता है। और हमारे गांव के जो भी हैं कार्ड धारक लोग राशन लेने के लिए आए हैं लोग। और देखिए चावल है ना दादा, क्या है चावल है? चावल है, देखिए चावल है, उधर गेहूँ है। और यहाँ पर मशीन रखा गया है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है उसी से तौल होगा। तब चाचा बताओ राशन वाशन देना कोटदार बढ़िया से? हाँ, मिलता है राशन, बढ़िया से मिलता है। हाँ, पैसा वैसा लगता है कि नहीं लगता? नहीं, पैसा नहीं लगता है, फ्री हो गया, सरकार फ्री कर दिया है। सरकार फ्री दिया, जब मतलब जब फ्री नहीं था तब पैसा मतलब लगता था ना? तब तो लगता, पैसा बेसी उसी नहीं लेते हैं लोग? नहीं नहीं नहीं, सबको राशन देते हैं लोग। गाँव के लोग मतलब कहीं ना कहीं कोटदार के द्वारा राशन दिए जाने पर लोग संतुष्ट है? सब संतुष्ट। तुम पर खुश बढ़ा जाए कोटदार से, कोई दिक्कत ना करता लोग? अरे जैसे अक्सर ये होला कि कोटदार अधिकतर 90% सब बेईमान हो ना, सब जनता परेशान रहला, गरिये देला, तो ऐसा कोनो हाल नहीं भाई लोगन के? पहला कोटदार बात झूठ रहल है, ई कोटदार ठीक बने, इमे कोनो दिक्कत ना आई बा। दोस्तों देख सकते हैं चावल है और गांव के लोग खुश हैं इनके कोटदारी से, क्योंकि चूंकि महिला समूह में कोटदारी आया है, मतलब पूरा धमकी के। और देखिए यहाँ पर गेहूँ अभी देखिए कितना फ्रेश, एकदम एक नंबर का गेहूँ है, देख सकते हैं एकदम। इसको ले जाकर तत्काल में हम इसको पिसवा कर अपना रोटी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो कमी नहीं रहा चावल चाहे गेहूँ में लाले में। हाँ देखिए इधर गेहूँ रखा गया है बोरा में, प्लास्टिक का बोरा है, और उधर चावल रखा गया है इधर सूती के बोरा में। और इधर देखिए दोस्तों मशीन है, यह मशीन है ना? हाँ, मशीन तो कितना किलो मिलता है एक व्यक्ति को? 35 किलो जानते हैं। देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन अभी यहाँ पर तोल होगा, रखिए तो रखिए रखिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से तोल के ले जाला जाता घर में घट जाला? नहीं, चावल चाहे गेहूँ घटता नहीं ना एकदम, हम जितना तोल के देते उतना रहता है। 35 किलो दोस्तों अभी देखिए तोला जाएगा गेहूँ और चावल दोनों मिला कर। अंत्योदय वाला है का? हाँ, हाँ, तो दोस्तों इनका अंत्योदय वाला है, अंत्योदय में 35 किलो मिलता है राशन एक परिवार को। देखिए यही है काटा, पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से, कोई भी इसमें जनता के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं, जो भी कार्ड धारक हैं सबको समान रूप से उनके जो भी हक है उनको दिया जा रहा है। ये वास्तव में दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर तमाम लोग की शिकायत करते रहते हैं कोटदारों का, कोटदार भ्रष्ट है, बेईमान है, जनता का राशन लोग खा लेते हैं और जनता परेशान इधर उधर घूमती है। तो हम आपको यह दिखा रहे हैं कि आज भी कुछ ऐसे ईमानदार लोग हैं जो अपनी काबिलियत के दम पर कहीं ना कहीं सेवा भाव से कोटदारी चलाते हैं और जनता को पूरा हक और अधिकार दिलाते हैं। ऐसे कोटदारों को हम कहीं ना कहीं सलाम करते हैं कि जनता को खुश रखते हैं लोग और जनता के हक और अधिकार को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखे हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनको राशन सरकार दे रही है उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। पूरा रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, अभी लोग अभी गांव के जो भी लोग आएंगे सबसे बातचीत भी किया जाएगा। देखिए दोस्तों चावल है, इतना फ्रेश चावल है, बहुत शानदार चावल है, कोई दिक्कत नहीं है।